हाय एवरीवन। सो अभी 11:15 बज रहे हैं और 12 बजे के बाद मेरी अम्मा की बर्थडे है। सो लेट मी शो यू हाउ वी मैनेज टू गिव हर अ सरप्राइज एवरी ईयर। अम्मा को हरी झंडी दिखाई थी। अम्मा ने कहा कि यू नो लेट्स गो आउट डू समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हम सबने हरी झंडी दिखा दी। एंड मेरा छोटा भाई वापस आ गया है घर, बट शी डजंट नो के ही इज़ बैक। उसी से हमने केक भी मंगवा लिया और बुके भी, फैंसी बुके। सिंस मेरे घर वाले मुझे सस्ता बुके देते हैं, अम्मा को तो महंगा देना ही चाहिए ना, राइट। सो दिस इज़ अ केक। सिंस ये मेरी डोर है, अम्मा यहाँ से आती हैं, सो आई हैड टू पुट इट समवेयर जहाँ से वो मतलब देख ना सके। आई नो सो चालाक। देन आई हैड टू लाइक हाइड द बुके ओवर हियर। ओ माई गॉड, दिस लुक्स सो प्रिटी एंड wanna see the biasness. This is what I got for my birthday. Yes, I'm a junkie for flowers. This is a musk bouquet. Can you see? Can you freaking see? So I am waiting for 12 AM. maybe 5 minutes पहले जाके डरा देंगे अम्मा को। अम्मा सोने जा चुकी हैं because she probably was thinking कि you know कोई कुछ नहीं करेगा। बट देन अगेन मेरी और मेरी अम्मा की कॉमन हरकतें ये हैं कि हम 12 से पहले सो जाते हैं बर्थडे वाले दिन, सो मे बी दैट्स व्हाई शी डिड दैट। खोलो खोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मना किया था तुम सबको केक नहीं लाना, वो मैं लेके आया हूँ। आप कार्ड लें, खा लें यार। We got your rasmalai and मिठाई। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear अम्मा। भाई hi guys, so कल के दिन का मैं vlog करना भूल गई because I am a bad blogger, very bad blogger whatever। खैर आई एम सॉरी इफ अगर फैन की आवाज़ आ रही हो, बिकॉज आई कैन नॉट गेट अप एंड स्विच ऑफ द फैन। आज मैंने फाइनली जाना है सोरत से मिलने। शी इज़ ऑल्सो अ ब्लॉगर और आज भी जिम नहीं गई मैं, कल भी नहीं गई। अभी आई थिंक आई टेक अ शावर और ओके बाय, आई विल सी यू सून। So finally I am ready, let's go। जो आप लोगों को अच्छी लग रही होती है ना, this is her reality, like she's so mean। Stop abusing me mom। आओ पैसे आप देंगी इस कैमरा के टूटा तो। This is my shirt। My amma is perfect for vlogging। क्यों? आप इतना लाउड बोलती हैं। अच्छा ब्लॉग में बोलना, लाउड बोलना होता है ना। लाउड पंजाबी आर ऑलवेज लाउड। आप लोग हमसे पंजाबी में क्यों नहीं बात करते? इसलिए कि हम मॉडर्न हैं। हम लोग सोरत को ढूंढने जा रहे हैं। आई एम बीइंग अ मीन बिच। वो रही सोरत। कैसी हो? इधर भी तुम बेसमेंट में। बेसमेंट में इतनी देर ड्राइव कर रही थी क्या? ये ड्राइव कर रही थी ना। नहीं यहाँ पे मिलते हैं, मुझे यहीं से शॉपिंग करके गिफ्ट दे देते हैं। खैर मैं झांकती हूँ। इसीलिए तो मॉल बुलाते हैं ना, इजी होता है। ओह नाइस फ्रेंड, तुम अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है तुम कैमरा में बहुत प्यारी लग रही हो। थाली खाओगी? पिएंगी? उसके साथ लस्सी आती है, वो किसी एक को भी नहीं पड़ेगी। तुम पियोगी? नमकीन मीठी करा दूंगी। चलो आओ थाली लेके आए। ये हम उसके बिल्कुल सामने ही हैं। डोसा, मसाला डोसा। मैं मसाला डोसा खाती हूँ। नहीं आदि क्या था? आदि खेड़ो हाल आई अरे डाडो सुठो आई। डाडो नहीं बोलते, डाडो डाडो सुठो आई। डेडर डेडर बोल के दिखाओ। डो डो डर नहीं होता, ड होता है डो। हम क्यों नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं बोल सकते? आप नहीं बोल सकते क्यों? वाई? तभी तुम बोलते हो डो डो। डेडर डेडर मीन्स मेंढक। आज हम आपको नई स्टोरी सुनाएंगे, लव स्टोरी, सोरठ और राय डियास। राय डियास, तो इनकी लव स्टोरी के बारे में आप क्या बताएंगी? वो किंग था, उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम सोरठ था। वो बहुत खूबसूरत थी, उसकी उससे शादी हो गई। फिर एक विलन आ गया बीच में। वो विलन जो था वो सोरठ से शादी करना चाहता था ना, तो उसने क्या किया, उसको हटाने के लिए एक वो दीपिका वाली फिल्म की तरह ना, यही स्टोरी है, सेम स्टोरी है। और लिटरली दीपिका वाली ये स्टोरी है क्योंकि उसमें भी हाँ वो सोरठ अपने आप को सती कर देती है, मर जाती है। तभी हमारे यानी सिंधी लोग में कहते हैं कि सोरठ नाम मत रखो क्योंकि इसकी उसकी जो एंडिंग थी ना वो अच्छी नहीं। जैसे दिस इज माय डोसा एंड ये ऑनेस्टली ये भी टेम्पटिंग लग रहा है। ये इमली का समथिंग है, ये पता नहीं क्या है, ये बीफ है, ये मिर्ची का सालन है, ये कचुम्बर है, ये मिक्स सब्जी है, ये कोरमा है और ये वो है हलवा। आफ्टर मैथ आप लोगों ने देखा था कितना खाना हम लेके आए थे। ये सारा बाकी सोरठ ने ज़ाया किया है। मैंने इसको बोला भी खा लो खा लो खा लो, नहीं ये वाली बात नहीं है, अंक से कुछ आने हमने खाया था ना। सोरठ मुझे कॉटन कैंडी दिला रही है। कोई कौन सी फ्लेवर है लिखा लिखा हुआ है, मीट योर ओन फ्लेवर, कौन सा अच्छा है? मुझे उस दिन अनाया की बर्थडे पे कॉटन कैंडी नहीं मिली थी इसीलिए मैं खा रही हूँ। बट वाई आर यू मेकिंग अ स्नैप आउट ऑफ इट? आई एम गेटिंग माई सेल्फ कॉटन कैंडी। गोला गंडा खाएं, क्या क्या खाना है तुम्हें? सब कुछ। ये देखो, लेकिन ये पर्पल तो लगी नहीं रही। कैसा है जी? भी अच्छा है, ये खा के देखो। सोरठ ये कितनी क्यूट है ना। हाँ वाकई बहुत क्यूट है। जा रही हूँ अमेरिका, नहीं जा रही। ये लड़की का एक्साइटमेंट लेवल चेक करें। ये भी नहीं, ये नहीं अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी। मैंने आधे कपड़े भी चेंज कर लिए, ऑल दो अभी तक मेकअप रिमूव नहीं किया। It was a tiring day. No wonder I do nothing but sleep. Khair, it was a fun day and I had a lot of fun. Although मैंने कुछ भी shopping नहीं की, my amma was like कुछ ले लो, shopping कर लो, blah blah blah. But no, I think the key to sleep early is आप अपने आप को कुत्ता ख्वार करें और फिर आप घर आके अच्छे से सो सकेंगे। जी हाँ, गो आउट, हैव लंचेस, हैव डिनर, हैव अमेजिंग टाइम, कम होम एंड स्लीप। और हाँ, अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाएं ताकि वो आपको ये ना बोलें कि आपने उन पे कोई एहसान नहीं किया। कैसा? अम्मा को ज़रूर लेके जाएं क्योंकि बेसिक ताने अम्मा देती हैं। सो अगर अम्मा साथ होंगी तो चांसेस आर कि आपकी बचत हो जाए क्योंकि आप अम्मा को भी साथ लेके जाके तफरी करा के लेके आएंगे। सो अगर अम्मा खुश तो आप खुश और आपको ज़्यादा नींद भी मिल सकती है, आपको वो दोपहर तक सोने दे सकती हैं। क्या खैर, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में देखते हैं क्या होता है। सी यू अगेन, बाय।